सो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास पेज स्टोरीज बाय हरीश। तो वैसे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माल्टा के रिगार्डिंग, जिसमें हम बात करेंगे VFS के क्या अपडेट है, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कौन कौन सी नई कंट्री के सर्टिफिकेट्स अप्रूव किए हैं माल्टा ने लास्ट वीक, और इसी के साथ हम बात करेंगे हमारा क्या अजम्पशन रहने वाला है और क्या नई अपडेट्स होने वाली है। तो वैसे आपको बनना है वीडियो में एंड तक, बिना किस टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। तो गाइस, VFS की जो अपडेट है ये है 6 अक्टूबर की। तो गाइस, ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और मुझे उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आएगी। तो गाइस, पहले मैं VFS की वेबसाइट पे जो इंग्लिश का स्टेटमेंट है उसे रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इफेक्टिव 4 अक्टूबर 2021, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द सेंट्रल वीज़ा यूनिट ऑफ माल्टा दैट द वर्क परमिट applicants who booked an appointment while their approval in principle letters are still valid, मतलब जब आपने अपॉइंटमेंट बुक की है तब आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर अगर वैलिड था, will be accepted by High Commission of Malta in India even if approval in principle letter is expired at the time of submission. It is important to note that the appointment booking date should be prior to the approval in principle letter expiry date. Guys, अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। तो guys, ये कह रहे हैं कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अगर आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर वैलिड था जब आपने अपॉइंटमेंट बुक की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अक्टूबर को आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर जो है वो वैलिड था और आपने अपॉइंटमेंट बुक कर दी 8 अक्टूबर की, लेकिन 8 अक्टूबर को अगर आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर एक्सपायर हो चुका है तो भी माल्टा हाई कमीशन आपकी जो है पेपर्स एक्सेप्ट करेगा। मतलब जिस वक्त आपने अपॉइंटमेंट बुक करी है उस वक्त आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर वैलिड होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपायरी डेट क्या है और सबमिशन कब हो रही है। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन थी VFS ग्लोबल की तरफ से। गाइस, अब हम बात करते हैं कि माल्टा ने कौन कौन से नए वैक्सीन सर्टिफिकेट जो हैं एक्सेप्ट किए हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करें बरमूडा के, यहाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड हैं। सेकंड, पैलेस्टाइन के वैक्सीन सर्टिफिकेट यहाँ एक्सेप्टेड हैं। थर्ड, अगर हम बात करें यहाँ बहरीन के वैक्सीन सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेड होने वाले हैं। इसी के साथ बात करें गाइस, दो कंट्रीज़ के नेम और हैं, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको। मैंने पेज खोल ही रखा था। इसराइल के गाइस यहाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ कोसोवो के यहाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो गाइस, ये 5 कंट्रीज़ के अपडेट थे जो रिसेंटली लास्ट वीक आए थे और माल्टा ने अपनी वेबसाइट पे विजिट माल्टा पे इसका अपडेट दिया था। तो गाइस, अब मैं बात करूँ कि हमारी कोविड शील्ड का क्या सीन है। गाइस, अभी भी वो ट्रायल फेज में दिखा रहा है, अगर आप वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे तो COVID-19 ट्रैकर वेबसाइट का नाम है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन गाइस, मैं एलेक्स बाई की वीडियो देख रहा था जिसमें वो इंडिया की जो हाई कमिश्नर है उनसे कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो गाइस, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको अभी किस प्रकार का चैलेंज आ रहा है। तो गाइस, उन्होंने एक चैलेंज बताया कि जो इंडिया की हमारी वैक्सीन है कोविड शील्ड, वो यहाँ अप्रूव्ड नहीं है और ना ही इंडिया के सर्टिफिकेट्स यहाँ अप्रूव्ड हैं, जिससे हमारे इंडियंस जो भी माल्टा में आते हैं उन्हें क्वारंटीन फेस करना पड़ता है क्योंकि हमारे सर्टिफिकेट्स यहाँ वैलिड ही नहीं है, जबकि वो बंदा वैक्सीनेटेड है कोविड शील्ड से और 20+ EU कंट्रीज़ ने कोविड शील्ड को वैलिड माना है, इंडिया के सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किए हैं, तो माल्टा क्यों नहीं कर रहा। तो गाइस, इसका आंसर तो उनके पास भी नहीं था, क्योंकि ये दिस इज़ रियली इज़ इन ट्रायल फेज। गाइस, उन्होंने भी कहा कि हम रिमाइंडर्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को और माल्टीज गवर्नमेंट को कि ये जो है मामला जल्दी सॉल्ट आउट हो जाए, लेकिन गाइस यहाँ ये एक चैलेंज बन के रह गया है। तो गाइस, उम्मीद है, उन्होंने भी कहा उम्मीद, और मैं भी ये कहूँगा कि उम्मीद है आने वाले टाइम में हमारे इंडियन सर्टिफिकेट्स भी अप्रूव्ड हो, तभी तो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ इन 5 कंट्रीज़ की। तो गाइस, हो सकता है इंडियंस के सर्टिफिकेट भी जल्द अप्रूव्ड यहाँ माल्टा में हो जाएंगे। तो गाइस, मुझे उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में दी आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते रहेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन। हम मिलेंगे ऐसे किसी अगले अच्छे इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।